हेलो, कैसे हो आप सब? देखा ना आपकी शेयर बाजार कैसी चल रही है, जबरदस्त वोलेटिलिटी और किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है। हाँ, जो फास्ट फिंगर फर्स्ट वाले जो है, अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति वाले शो की तरह, जो फास्ट फिंगर फर्स्ट है वो ही आज कुछ प्रॉफिट ले पाए हैं, बाकी सब ने गंवा दिया। तो पहले ऐसा लगा, एक इल्यूजन खड़ा हुआ कि मार्केट बढ़ रही है, बहुत बड़ी, बहुत गिरी, फिर से बढ़ गई, और इन द मीन टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग वाले जो लोग थे उनके प्रीमियम गलते गए। तो बात यह है कि कल क्या होने वाला है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि बाजार कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा सकती है, बहुत बड़ा गैप डाउन। गिफ्ट निफ्टी अभी 300 पॉइंट से ज्यादा माइनस में चल रहा है, लेकिन ये तो सब ऑपरेटर बाबू का खेल है। गिफ्ट निफ्टी इतना माइनस में चलता है तो मॉर्निंग में वो प्लस में भी आ जाए, लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो है अभी के, उस पर से ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ही डाउन होगी। मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों में भी बिकवाली आएगी। आपने देखा कि मैंने HDFC बैंक के लिए आपको बोला था कि 1500 या 1460 का मार्च की एक्सपायरी वाला कॉल आप ले लें। यह मैंने तब बताया था जब HDFC बैंक 1428 पर चल रहा था, और अगर आपने वो कॉल लिया होता तो कितना मुनाफा आप कमा सकते थे, वो खुद आप HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन 1500 का मार्च वाला, वो फरवरी की 22-23 के आसपास की तारीखों में क्या भाव में मिल रहा था, और आज हालांकि बाजार इतनी वोलेटाइल होके अंत में गिर गई, फिर भी देख ले कि कितना इसका प्राइस है। देखो, टाटा के शेयरों में भी खेला हो गया, टाटा का IPO आ रहा है, बहुत बड़ा IPO आ रहा है, तो सब शेयर दौड़ने लगे थे टाटा ग्रुप के, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर, सब शेयर टाटा ग्रुप के चलने लगे। फिर अचानक ऐसी बात आई कि भाई ऐसा कोई IPO आने वाला नहीं है, तो फिर से टाटा के शेयरों में बिकवा लिया गया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं खुद प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ कि कल बाजार बढ़ेगी या डाउन होगी या गैप अप खुलेगी, मैं प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इनके जो इंटरनेशनल क्लूज है और हमारे इंटरनल न्यूज़ फ्लो है, उस पर से मैं एक अंदाज रखता हूँ कि हो सकता है कल ऐसा हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप प्लीज़ सेंसेक्स को देखते देखते ही ट्रेड ले। जिन्होंने आज सेंसेक्स को देखते देखते ट्रेड लिया, उन्होंने पैसे आज कमाए हैं। जैसा मैं आपको बताऊं कि 3 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी 46,947.60 के बीच था, तो किसी ने 47,000 का कॉल लिया। चलो, मैंने भी लिया था, और क्या हुआ कि उसमें पैसे 5 times हो गए, और उस वक्त उसका कॉस्ट भी इतना कम था कि ये मान के चलिए कि 41 rupees का भाव था, तो हमने 300 ऑप्शन ले लिया, 300 का लॉट ले लिया,
20 लोट हुए और फटाफट वो 312-13 हजार का जो इन्वेस्टमेंट रहा वो फटाफट 115 तक पहुंच गया। आप देखिए, और फिर लुढ़क गया। हालांकि हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि इस बाजार में कोई बहुत नीचे से खरीद नहीं सकता है और बहुत ऊंचे में बेच नहीं सकता है। यही तो बाजार की ब्यूटी है। तो अगर आप सेंसेक्स को देखते देखते कोई ट्रेड लोगे और जल्दी से लॉस बुक कर लोगे, अगर मान लो कि आपका ट्रेड उल्टा चला, तो इमीडिएट आप लॉस बुक कर लो आराम से, क्योंकि शेयर बाजार में लॉस तो आएगा ही, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस तो बिल्कुल आना ही है। पहले लॉस है फिर प्रॉफिट है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो आप ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, जैसे कल मान लो निफ्टी की एक्सपायरी है, आपको ये देखना है कि जब मार्केट क्लोज होने में करीब 15-20 मिनट बाकी हो, तब आप देख लो कि डाउ जोन फ्यूचर क्या क्या चल रहा है अभी, ये आप देख लीजिए। और न्यूज़ फ्लो फटाफट देख लीजिए कि कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आए ना अभी फॉर अ टाइम बीइंग। और देखो कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि 21,980 पे है निफ्टी और सब कुछ बढ़िया लगता है, प्लेटफॉर्म आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस वक्त एक्सपायरी के डे दिन पे उनका भाव बहुत कम होगा उसके ऑप्शन का। 50 शेयर का लोट है निफ्टी का, मान लो कि 10 रुपया 20 पैसा भाव है, तो आप 300 लोट ले लो और बैठे रहो, देखते रहो सेल का बटन। आप पहले ये देखो कि किस कौन सी अमाउंट पे हमें प्रॉफिट होता है 200 रुपये का, मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि आपको 10 रुपये में आपने शेयर लिए हैं और 11 रुपया भाव हुआ तो 300 रुपया आपको मिलेंगे। तो आप 11 रुपया जब आए तब सेल का बटन दाबो और देखते रहो, इमीडिएटली इसको एग्जीक्यूट ना करो। 11:20, 12:40, 13:18 फिर 12 आ जाएगा, 10:30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन आपको बस अपने माइंड में एक कंसेप्ट अपने लॉजिक के हिसाब से रखना है कि नहीं अभी ये 22,000 तक तो पहुंचेगा ही एट द एंड ऑफ द मार्केट, क्योंकि 3 PM फैक्टर जो है उसको देख के, 3 PM फैक्टर में अगर आप मान लो कि बाजार बढ़ने लगा है, एक उसमें मोमेंटम आ जाता है, तो फिर आपके सौदे में कायम रहो और देखो कि वो 10 वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो आराम से 60-70 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा। ये मौका मिलता है, मौका भी मिलता है और धोखा भी मिलता है, लेकिन धोखा तब मिलता है जब आपको आप वेट करते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये 10 वाला 7 हो गया, अभी हैव टू सेल इट, स्क्वायरअप कर दो, लॉस आई तो आई, लेकिन अगर वो 10 वाला 50 हो जाएगा तो आपके पैसे 5 times बन जाएंगे विद इन हाफ एन आवर। और बनते हैं, बनाते हैं लोग, आप नहीं मानोगे कि इस तरह के ट्रेड में लोग 15,000 मतलब 1,000 लोट उठाते हैं, 1,000 लोट। आप ये मान के चलिए कि अगर 10 रुपया भाव है तो आप 1,000 लोट उठाएंगे तो कितना रुपये होंगे, 10,000 रुपया, कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन करना, 1,000 × 10 एक डेसिमल लगेगा तो ठीक है, 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है। और अगर ये शेयर ये ऑप्शन ट्रेड चलेगा तो इसमें जल्दी जल्दी आपको प्रॉफिट होता रहेगा। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे नहीं अब मुझे ये अच्छा प्रॉफिट है,
तो आप निकल जाओ उस वो ट्रेड में से निकल ही जाओ, क्योंकि उस दिन एक खतरा ये रहता है कि आपका जो प्रीमियम वैल्यू है वो 5 पैसा लास्ट में रह जाता है। तो ये देखना है हमें, लेकिन अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रहोगे तो मेरा मानना है कि एक्सपायरी के दिन आप अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। बाकी अभी देखिए बाजार गिर गई है, मतलब जो मिड कैप और लार्ज कैप के जो शेयर है उसमें तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है। अच्छी बात है, हमें मौका मिल रहा है। जैसे रिलायंस जियो का शेयर है वो भी बहुत अभी कम हो गया है, तो आप इसको एक्यूमुलेट करो, इसको एक्यूमुलेट करो। हम जानते हैं रिलायंस की हिस्ट्री, रिलायंस के सब शेयर एक ज़माने में कितने रुपये मिल रहे थे और अब क्या भाव है। तो जियो भी आराम से 3-4 हज़ार रुपये का हो जाएगा, बजाज का 6 हज़ार रुपया है, बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का 1500-1600 रुपया है, तो ये भी हो जाएगा। आपको बस रखना है अपने पास, बीच बीच में सेल नहीं करना है। अच्छा, और इन्फोटेक में अभी कभी भी, मैंने पहले भी बताया था, अभी कभी भी जंप आ सकता है, तो इन्फोटेक पे आप नज़र बनाए रखें। उसका कोई अच्छा सा ऑप्शन कल मुझे दिखेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आज इतना ही है, बाज़ार कल क्रैश होने वाला है, रीजंस आप सब जानते हैं, SBI वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, चुनाव की तारीखें कब घोषित होगी उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब बातें जो आ रही है न्यूज़ फ्लो में, और पैनिक ट्रिगर बटन जो है वो दब जाता है, इसलिए बाजार गिर रहा है। हमें सावचेत रहना है और किसी भी तरह का हमें जोखिम नहीं लेना है। अगर जोखिम लेना है तो आउट ऑफ प्रॉफिट यू कैन टेक। मान लो कि कल के दिन में आपको करीब 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें से 1-2 हज़ार रुपया पे जोखिम लगा दो, लेकिन प्रोजेक्शन मत करो। प्रोजेक्शन अभी किसी का सही नहीं रहेगा, ऑपरेटर लोग मार्केट चला रहे हैं और वो बहुत ही पावरफुल है, हमसे तो कई ज़्यादा पावरफुल है वो सब लोग, तो आप देखिए संभल के चलिए। और बाजार में वाइल ऑन लाइव स्क्रीन ही ट्रेड लें और उस पर उसके प्राइस मोमेंटम पे आप कॉन्स्टेंटली अपनी नज़र बनाएं। अगर इसको थोड़ी सी पलों के लिए भी आप छोड़ देंगे ना तो बड़ा घाटा हो जाएगा। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक ऑप्शन ट्रेड में आई वॉज अर्निंग 7,000 रुपीज़, लेकिन किसी ने डोरबेल बजाई, मैं बाहर गया, खोला दरवाज़ा तो एक इनविटेशन कार्ड दे के आदमी चला गया। मैं आके बैठा, फिर तो वो जो 7,000 रुपया था वो 800 रुपये के लॉस में तब्दील हो गए। तो ये है इस बाज़ार की खूबी। तो आप कृपया ध्यान से शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करें। अगर आपके शेड्यूल के कारण उसको देख नहीं पाते हैं लाइव, तो फिर आप कोई ट्रेड ही ना ले, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आप मोमेंटम पे कड़ी नज़र रख सकते हैं कॉन्स्टेंट राउंड द क्लॉक, तो फिर आप ट्रेड लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला आपको काम करना है। आप सेल का बटन दबाएंगे तो उसमें मार्केट और लिमिट लिखा होगा, अगर आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया मार्केट को, तो लिमिट में वो सेल का बटन दब जाएगा और आपका जो ट्रेड होगा सेल का वो पेंडिंग रहेगा, तो और फिर बाद में प्राइस गिर जाएगी। तो ये सब चौकन्ने रहते हुए ये सब बातों की ध्यान रखते हुए ही आप ट्रेड ले। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कोई जो नया ट्रेडर है
उसको ये सब इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी. ओके, गुड नाइट. लेट अस प्रे कि टुमारो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा न गिरे. हाँ, फिलहाल इंडिकेशन तो ऐसे ही है.